Good afternoon, everyone. My name is Trishika, and as the president of TABIE, the Dramatics and Filmmaking Society of AIESR, it is my immense pleasure to welcome our honorable HOI, Dr. Professor Vinita Prasad, our esteemed faculty, staff members, and all the students for joining us today for the performance of our play, Hobo, which is based on a short story of the same name by Indo-Pakistani author Sadat Hasan Manto. A Nishani on Imtiaz, who cemented his reputation as a distressingly prophetic and daring writer, Manto's unabashed and brutal realism has shattered countless beliefs, creeds, and concepts, and has always dared to touch the flames of life with bare fingers. His words continue to haunt generations with their prophetic nature. And if today you are ready to face the savage indictment of the humanity lost during the partition of India, then brace yourselves for a truth that resonates far and wide even today. This is Kholdo. एक घंटा दस मिनट बैठो। मैंने वो बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, इसकी वजह से देरी हो गई। आप खफा तो नहीं है? अरे नहीं, मैं जानता हूँ बाहर बहुत तेज बारिश हो रही। जानते हो, एक मुसन्निफ के लिए वक्त मायने नहीं रखता। मायने रखता है तो सिर्फ हिजाज। और आज जिस मौसम में तुम आए हो, वो लिखने की हजारों दावत देता है। कभी मोहब्बत से सिफारिशें करवाता है तो कभी जी ये ना जाने आज इस रेडियो क्या हो गया, चलकी नहीं दे रहा है। मौसम की खराबी की वजह से होगा शायद। अच्छा, मैं तुम्हें बताता चलूं कि अफसाना मुकम्मल हो चुका, बस टाइप करवाना बाकी है, कल सुबह प्रेस भिजवा देंगे। डेट इस बात की शुरू करते हैं। चाय पियोगे? जी जरूर। सुनिए, अच्छा जनाब, अदरक ये तो चल पड़ा। जी जनाब। लेकिन फायदा क्या, आज तो ड्रामा सुनने से ही मौत आ जाएगी। जनाब आज महवीस फारूकी ने ड्रामा सुनाया था। अच्छा अच्छा जनाब, आज रेडियो पे बता रहे थे कि गदर के दौरान जो लोग मारे गए उनके घर वालों को अरब के एक शेख ने मुआवजा देने का ऐलान किया। किसी की लुटी हुई सल्तनत कोई मुआवजा कैसे आबाद कर सकता। आज लिखा था उस शख्स के नाम जिसने अपनी खुरेजियों का जिक्र करते हुए कहा कि जब मैंने एक बुढ़िया को मारा मुझे ऐसा लगा मुझसे कत्ल हो गया। जनाब बदर में काफी वक्त हो चला है, आप कब तक यूं खुद को मायूसी की जिंदगी में कैद रखेंगे? अब भूल भी जाइए उस हादसे को। भूल जाऊं कैसे, भूल जाऊं कि जब जहानत की कब्र खोद कर नादानी की कोख से पैदा होता है, अलाह करता एक मासूम गर्दन और खींचता दुपट्टा भरे बाजार में। तो खुद को ये तकलीफ देने से कुछ हासिल है क्या? मैं खुद को क्या तकलीफ दूंगा, तो मेरा जमीर है तो मुझे कचोके दे और मजबूर करता है मेरे इस वजूद को सुलगने। आप अब सुलझा ना हो जनाब, वक्त हर जख्म का मरहम होता है। अगर वक्त हर जख्म का मरहम है तो मैं चाहूंगा कि वक्त नहीं रुके, क्योंकि
की अब आदत सी है जख्म को खरीदने की। तुम शुरू करो। फाइनल ड्राफ्ट खोल दो। तारीख 13 नवंबर 1947। निगार, सादत, हसन, मंटो। सरसराती हवा को चीरती वहशी आवाजें, लहू में बहता इंसानी मरकज, जिस्मानी पत्थरों से बनता कच्चा रास्ता वहशत स्टेशन तक ले, अमृतसर से स्पेशल ट्रेन, दोपहर 2 बजे चली और 8 घंटे बाद मुगलपुरा पहुंची। रास्ते में कई आदमी मारे गए, मुतवातिब जख्मी हुए और कई इधर उधर भटक गए। सुबह 10 बजे सुबह 10 बजे कैंप की ठंडी जमीन पर जब सिराजुद्दीन ने अपनी आंखें खोली और अपने चारों तरफ मर्दों और बच्चों का मुतलातिम समुद्र देखा तो उसके सोचने समझने की कुव्वत और भी ज़ईफ़ हो गई। वो देर तक गदले आसमान को टकटकी बांधे देखता रहा। यूं तो कैंप में चारों तरफ शोर भरपा था लेकिन बूढ़े सिराजुद्दीन के कान जैसे मानो बंद थे, उसे कुछ सुनाई ना दे रहा था। गदले आसमान की तरफ देखते देखते सिराजुद्दीन की आंखें सूरज की तेज रोशनी से टकराई तो उसके वजूद के सारे रेशमरे उतर गए। ऊपर तले उसके जहन में कई तस्वीरें दौड़ उठी, लूट, आग, भागम भाग, स्टेशन, गोलियां, रात और सकी। सकीना मेरी बच्ची, सकीना मेरी बच्ची खो गई। किसने देखा मेरी बच्ची को? किसने देखा? लाल रंग का कुर्ता पहना तो मेरी बच्ची, किसी ने देखा मेरी बच्ची? मेरी बच्ची क्या किसी ने मेरी बच्ची को देखा? मेरी बच्ची। पूरे 3 घंटे तक सिराजुद्दीन सकीना पुकारता कैंप की खाक छाकता रहा, मगर उसे अपनी इकलौती जवान बेटी का कहीं पता न चला। सिराजुद्दीन थक हार कर एक जगह बैठ गया और अपने हाफिजे पर जोर देके सोचने लगा कि सकीना उससे कब और कहां जुदा हुई। लेकिन सोचते सोचते सिराजुद्दीन का ध्यान सकीना की मां की लाश की तरफ जा जमता है। इसकी सारी अंतड़ियां बाहर निकली हुई। रजिया
सकीना की मां मर चुकी, उसने सिराजुद्दीन की आंखों के सामने ही दम तोड़ा था। लेकिन सकीना कहाँ है, जिसके मुताबिक उसने मरते हुए कहा था, रजिया उसके साथ ही थी, वो दोनों नंगे पांव भाग रहे थे। सकीना का दुपट्टा गिर पड़ा था, दुपट्टा उठाने के लिए सिराजुद्दीन रुक रहा था, लेकिन सकीना ने चिल्लाकर कहा था, अब्बू जी छोड़ी छोड़ी उसे। लेकिन उसने दुपट्टा उठा लिया। ये ख्वाब जहन में आते ही उसने अपनी कोट की उभरी हुई जेब की तरफ देखा और हाथ डालकर दुपट्टा निकाला, सकीना का वही दुपट्टा। लेकिन सकीना कहाँ, मेरी माचिस था। ये तो सकीना का दुपट्टा है। क्या क्या मेरे साथ स्टेशन तो नहीं आई थी, क्या मेरे साथ गाड़ी में सवार हुई थी, गाड़ी कहीं रुकी तो नहीं थी, कहीं बनवाए तो नहीं घुसाए थे, क्या क्या कहीं वो से उठा के खुद जनाब एक सवाल मेरे जहन में ऐसा रहता है, लोग आपको सिया कलम देते हैं क्योंकि आपके ज्यादातर अफसाने गदर या बंटवारे के मुतल्लिक रहे और आपने ये जो लिखा ये हकीकत है, फिर इस हकीकत से इनकार कैसा? यही सवाल खुद से पूछते पूछते आज सादत हसन फकत मन को बचा। असल में जो मैं लिखता हूं उन बातों का तस्करा लोग रोजमर्रा की जिंदगी में खुद से करते, लेकिन जब वही बातें कागज पे लिखे अल्फाजों की शक्ल में उनके सामने पहुंचती हैं, तो हकीकत से इनकार हो जाता है। लेकिन मतलब तो एक ही है। अगर लोग ये बातें समझ जाते तो मैं अफसाने क्यों लिखता? वो बात अलग है कि इससे मेरी दो वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाता है। क्रास क्रास को जमाना ऐसा है जब लोग आपके अल्फाजों की कदर करेंगे। जमाना आएगा नहीं, लाना पड़ेगा। जब लोग आंखों से सुन सकेंगे और हाथों से देख सकेंगे। क्या शुरू कर? 6 रोज बाद सिराजुद्दीन के होश आवाज किसी तरह दुरुस्त हुए तो वो उन लोगों से मिला जो उसकी मदद करने को तैयार थे। वो कुछ नौजवान थे, उनके पास लारी थी, बंदूकें थी, लाठियां थी। यही लाशें? अरे तो इन्हें भी जल्दी जल्दी रखो लॉरी में। वो तो कह रहे थे बहुत लाशें हैं आज, कब्रें भर जाएंगी सारी। अरे तो काम करो और लोग को बुला लो और जल्दी जल्दी कब्रिस्तान पहुंचो, बदबू आने लगी है। जल्द से जल्द अपनाना होगा वरना फिजा खराब होगी। भाई मैं बहुत देर से आप लोगों की तलाश कर रहा था, सुनिए। अरे जल्दी जल्दी आ जाओ, मेरी बच्ची खो गई है। लोगों ने मुझे बताया आपने गुमशुदा लोगों को ढूंढने की मुहिम शुरू की है। अरे चाचा अगर आपको किसी की तलाश करानी है तो किनारे वाले कैंप में पर्चे बट रहे हैं, आप जाके नाम और हुलिया लिखा दीजिए। पर बेटा मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। अरे चाचा बहुतों ने लिखा है, आप भी लिखा दीजिए, कोई ना कोई आपकी मदद कर देगा। अच्छा सुनिए,
कब मिली थी आपकी बच्ची? मैं अमृतसर से हूँ, मुगलपुरा आने के लिए अपनी बच्ची और अपनी वाजा के साथ गाड़ी में सवार हुआ था। मेरी बच्ची। परेशान ना होइए, मैं नाम और उल्लेख लिखा दीजिए। लिखे काम ढंग से। सकीना, गोरा रंग है, खूबसूरत, मुझ पे नहीं अपनी माँ पे गई है, उम्र करीब 13 बरस, सिया बाल, और हाँ दाहिने गाल पे मोटा सा तिल है। भाई जान आपका नाम? मैं सिराजुद्दीन, मेरी बच्ची को ढूंढ रहा हूँ। फिक्र ना करे भाई जान, अगर आपकी बेटी जिंदा हुई चंद दिनों में आपके पास होगी। रजाकार नौजवानों ने बड़े जज्बे के साथ बूढ़े सिराजुद्दीन को यकीन दिलाया कि अगर उसकी बेटी जिंदा है तो वो चंद ही दिनों में उसके पास होगी। जान हथेली पर रखकर वो नौजवान अमृतसर गए। कई कई औरतों, कई मर्दों और कई बच्चों को निकाल निकाल कर उन्होंने महफूज मुकामों में पहुंचाया, लेकिन 10 रोज गुजर जाने के बाद भी उन्हें सकीना ना मिली। अच्छा जनाब, सर्वे के एक नॉवल निगार ने अपने आर्टिकल में लिखा है कि हर बड़ा आदमी गुसल खाने में सोचता है, इससे आपका क्या ख्याल है? मुझे तजुर्बे से मालूम पड़ा है कि मैं बड़ा आदमी नहीं, क्योंकि मैं गुसल खाने में नहीं सोचता। लेकिन मुझे इस बात पे हैरत जरूर है कि मैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान का इतना बड़ा कहानीकार हूं। जनाब डॉक्टर ने आपको सिगरेट से परहेज बोला है, मेरी गुजारिश है कि आप ज्यादा ना पिए। मैं मानता हूँ कि जिंदगी अगर परहेज से काटी जाए तो कैद, और अगर बद परहेजी की जाए तो भी कैद। अब शुरू करते हैं। एक रोज वो फिर उसी खिदमत के लिए लारी पे जा रहे थे कि चरहाटे के पास सड़क पर उन्हें एक लड़की दिखाई दी। लारी की आवाज से वो भिड़की, उसने भागना शुरू किया। रजाकारों ने गाड़ी रोकी और सब उसके पीछे भागे। अरे अरे रखो, इधर ही आइए, देख देख उधर, देख उधर। अरे नहीं नहीं नहीं, दूर 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 दूर, तुम्हारा नाम सकीना है? मुझे जाने दे, मुझे मेरे अब्बू जी के पास जाना है, आप लोगों को खुदा का वास्ता है। अरे तुम्हारे अब्बू जी ने तो हमें भेजा है उनके पास ले जाने के लिए। पानी पी लो, तसल्ली रखो, हम कुछ नहीं करेंगे। परेशान होते हुए कि बेटी को हो गए हैं, ढूंढ लो, लो ले चलो। एक ने अपना कोट उतार कर उसे दे दिया, क्योंकि दुपट्टा ना होने के बायस वो काफी उलझन महसूस कर रही। जनाब मुझे लगता है जो लोग आपके अफसानों की मुफासत करते हैं वो लोग भी आपका ये अफसाना खुशी से पढ़ेंगे, क्योंकि आपका ये अफसाना अफसुर्दगी और मायूसी से कहीं दूर लग रहा है। अफसुर्दगी? अफसुर्दगी जिंदगी का वो आईना है जिसमें वो लोग बदसूरत लगते हैं जिनमें सच्चाई को देखने की जरूरत नहीं। और मैंने किसी को दावत नहीं दी कि आए और मेरे अफसाने पढ़े। वैसे भी अफसाना अभी मुकम्मल नहीं हुआ। तो क्या मैं समझूं एक और मुकदमा? नहीं, तुम ये समझो कि जमाने को बदलने में एक और कदम का इजाफा होगा। और अगर जमाना नहीं बदला तो?
नीम के पत्ते कड़वे होते हैं, कम से कम मुंह तो साफ करते हैं। जनाब आपका हर अल्फाज जिंदगी रखता है, मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं आपका शागिर्द हूँ। अरे शागिर्द साहब टाइप कीजिए, एक तो फजर की नमाज यहीं पढ़नी पड़ जाएगी। जी अगर बारिश ऐसे गिर रही तो यानी यहीं पढ़नी पड़ जाएगी। हाँ कई दिन गुजर गए, सिराजुद्दीन को सकीना की कोई खबर न मिली। वो दिन भर मुख्तलिफ कैंपों और दफ्तरों के चक्कर काटता रहा, मगर बेटी का कोई पता न चला। रात को वो उन नौजवानों की कामयाबी की दुआ मांगता रहा जिन्होंने उसे यकीन दिलाया था कि अगर उनकी बेटी जिंदा है तो चंद ही दिनों में उसके पास हो। एक दिन सिराजुद्दीन ने कैंप में उन रजाकार नौजवानों को देखा, वो लारी पे बैठे हुए। भाईजन पहचाना मैं सिराजुद्दीन। अरे हमारी बेटी को मिलते ना। भाईजन कई दिन गुजर गए, दफ्तर के मुलाजिम भी अब कोई जवाब नहीं देते। अरे चाचा इतने लोग लापता है, कोई इधर हो गया कोई उधर, अब यही काम थोड़ी ना है कि तुम्हारी बेटी को ढूंढते रहेंगे, हमें और भी काम है। भाईजन कोई खबर नहीं मिलेगी। अरे चल जाएगा बेटी का पता चल जाएगा, हम कर देंगे आपको इत्तला। चलो सबने एक जुबान होकर कहा था चल जाएगा और ये कहकर लारी चल पड़ी। उसने एक बार फिर उन नौजवानों की कामयाबी की दुआ मांगी और इस तरह उसका दिल हल्का हो गया। क्या हुआ तू क्यों गया? जनाब ना जाने क्यों मेरा दिल मेरे हाथों पर ज्यादा थम गया और मैं जहनी सफसाने के निजाम की इत्तला दे रहा, अजीब सी कैफियत है। किसी ने कहा था कि हद के अंदर कुछ भी नहीं और जो है सब हद के बाहर। अपने वजूद को देखने के लिए शख्सियत का आजाद और बेतकल्लुफ होना बहुत जरूरी है। तुम शुरू करो। उसी शाम कैंप में जहां सिराजुद्दीन बैठा हुआ था उसी के पास कुछ गड़बड़ी हुई। चार औरतें कुछ उठाकर ला रही थी। मेहरबानी करके एक बार सुन लीजिए, मैं मेरी बच्ची को ढूंढ रहा हूँ, 10 रोज हो गए पर वो नहीं मिली, शायद वो यहाँ महिला कैंप में हो। मदरमा सुनिए जरा, मदरमा सुनिए भाईजान हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? कौन है ये, क्या हुआ इन्हें जिन्हें आप लेके गए? पता नहीं कोई लड़की थी, किसी ने इत्तला किया रेलवे लाइन पे पड़ी हुई थी बेहोश हालत में, इतनी बुरी हालत थी इसलिए अभी अस्पताल लाए हैं, आप जाके देख लीजिए। उन औरतों ने लड़की को कैंप के सुपुर्द किया और चली गई। बूढ़ा सिराजुद्दीन कुछ देर तक कैंप के बाहर यूं ही खड़ा रहा और आहिस्ते आहिस्ते कैंप के अंदर चला गया। एक कमरे में कोई भी नहीं था, बस एक स्ट्रेचर था जिस पे एक लाश ही पड़ी थी। वो छोटे छोटे कदम उठाता हुआ आगे बढ़ा कि अचानक कमरे में दफतन रोशनी हुई। उसने लाश के चेहरे पे चमकता हुआ तिल देखा और चिल्लाया, सकीना 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 सकीना। डॉक्टर ने जिसने कैंप में रोशनी की थी पूछा, क्या बात है क्या हुआ कौन है आप? मैं बाप हूं मैं इसका। जरा हटिए देखने दीजिए। खोल दो खिड़की खोल दो। मुर्दा जिस्म में जुम्बिश हुई, बेजान हाथों ने इजार बंद खोला और सलवार नीचे सरका दी। बूढ़ा सिराजुद्दीन ये देख के खुशी से चिल्लाया, जिंदा है मेरी बच्ची, जिंदा है सकीना, जिंदा है मेरी बच्ची, जिंदा है। डॉक्टर सर से पैर तक पसीने में कर रहा था। जनाब मेरे
अपनी औकात तो नहीं कि मैं आपको प्रेस रिलीज से पब्लिश मत कीजिए, लेकिन एक सागरित होने की हैसियत से मेरा फर्ज बनता है आपको मुश्किलों में जाने से रोकना। वैसे ही लोग आपकी मुखासत का कोई मौका नहीं छोड़ते, आपके कई मुकदमे चल रहे हैं, इसे जारी मत कीजिए जनाब, मेरी बात मानिए, ये आपको मुश्किलों में डाल देगी। मैं अपनी आंखें बंद भी कर लूं लेकिन अपने जमीन पर क्या करूं, लोग बोलते हैं बोलते रहेंगे, उस पर मुकदमे चलते हैं चलते रहेंगे, एक दिन मैं मर भी जाऊंगा लेकिन मेरी कहानियों को कैसे मारेंगे जनाब। लेकिन आप मेरी बात समझ, मैं जानता हूं, मैं अपनी कहानियों को एक आईना समझता हूं, आईना जिसमें समाज अपने आप को देख सके, और अगर किसी बुरी सूरत वाले को आईने से ही शिकायत है तो उसमें मेरी क्या गलती, मुझ पर इल्जाम है कि मैं वैश्य हूं, यानी वल्गर और ऑब्सीन कहानियां लिखता हूं, क्यों, क्योंकि मैं मर्द और औरत की जीन के रिश्ते के बारे में लिखता हूं, क्यों ना लिखूं, क्या वो हमारे माशरे का हिस्सा नहीं है। मैं ये मानता हूं कि हर उस चीज के बारे में लिखा जाना चाहिए जो आपके सामने मौजूद है, और वैसे भी किसी नॉर्मल इंसान के मुंह से मेरी कहानियां पढ़ने के बाद घटिया जज्बात की लार नहीं टपकती। मैं उस समाज की चोली क्या उतारूंगा जो पहले से नंगी है, उसे कपड़े पहनाना मेरा काम नहीं है। मैं काली तख्ती पर सफेद चौक इस्तेमाल करता हूं, जिससे काली तख्ती और नुमाया होगा। आपको मेरी कहानियां मेरे अफसाने पसंद आए या ना आए इसका फैसला आप खुद कर लीजिए, लेकिन अगर आप मेरे अफसानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब यह है कि यह जमाना ही नाकाबिले बर्दाश्त है। तो आएगी वो सुबह कभी।
Provoking performance. I'd like to thank our HOI ma'am, professors, and all the spectators for gracing us with their esteemed presence. It was our utmost honor to have each one of you here. Now I'd like to call the entire team on stage. Firstly, I request the actors to turn up here. Aditya Kumar Singh as Mantu. Aniket Kumar Shah as the typist. Apoorva Anand as the abuser. Vishakha Tiwari as the victim of abuse. Isha Singh as the woman in search of her husband. Saloni Sarab as the wounded woman. Adi Umar as Sirajuddin. Shruti Raj as Sakina. Shalini as Razia. Yashika as the widowed mother. Gurjeet Singh, Prachi Bhardwaj, Chetha Sabriwal as a group of men. Aditi Sharma, Falguni Day as the dead bodies. And Abhiha.